तो ये रास्ता जाता है ज्वाला मिल से उद्योग विहार के अंदर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें पानी भरा है, किस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। नाले का पानी सड़कों पर उतर आया है जी हाँ, नाले का पानी सड़क पर उतर आया है, और देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग पैदल चल रहे हैं इसको। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पैदल नाले के पानी में चल रहे हैं, और कितनी दिक्कत हो रही है इनको। ये है गुड़गांव का इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, देख सकते हैं सभी किस तरीके से बाइक जा रही है। इवन मैं भी इसी में फंसा हुआ हूँ, मैंने साइड में हूँ, मैं देख सकते हैं लोग। देख सकते हैं लोग किस तरीके से पानी में चल रहे हैं, किस तरीके से पूरे कार सारी डूबी हुई है। यह उद्योग विहार गुड़गांव के, ये नाले का पानी गुड़गांव में नाले का पानी है दोस्तों, जो कि कितनी तेज़ी से बह रहा है, जिसके कोई गुंजाइश नहीं निकलने की। और इसके कारण जाम दोस्तों देखो कितना लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों ताकि यहाँ का कुछ हो पाए। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर 3 घंटे और 3-4 घंटे लोगों को ऐसे ही बर्बाद होंगे। कोई भी समय से ऑफिस नहीं पहुँच पाया, इवन उसमें शामिल मैं भी हूँ। मेरा नाम मोहित है, ये वीडियो बना रहे हैं। ये साड़ी डाल लूँ उस पे, ये दिखाऊंगा यहाँ पे क्या हो रहा है। पैनी चाहिए है सरकार से, दोस्तों पानी का बहाव देख रहे हो आप, किस तरीके से पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं से बाढ़ आ गई है। भैया कहाँ काम करते हो, कहाँ काम करते हो? दोस्तों देख रहे हो कि 5 से 10 मिनट मुझे यहाँ पे खड़े हुए हो गए, लेकिन गाड़ियाँ अपनी जगह से नहीं हिल रही हैं, गाड़ियाँ अपनी जगह पे खड़ी हैं, और पानी का बहाव आप देख सकते हो, देखिए किस रफ्तार से दोस्तों पानी बह रहा है, देख सकते हैं आप लोग पीछे कितनी बसेस वेटिंग में हैं, आप देख सकते हैं कितनी बसेस खड़ी हैं, इवन इसमें एक स्कूल बस भी है दोस्तों, स्कूल बस भी है,
और ये भी ये बस भी खड़ी है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है। सब दोस्तों आगे तक जाम है 3 से 4 किलोमीटर के बीच में। कहाँ भैया कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ? बहुत दिक्कत है। क्या नाम है आपका? जल्दी में हो सारे? कोई भी बात करने को राजी नहीं है क्योंकि इतनी है वेस्टिंग।